हेलो माय लवली एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको मॉडल वर्ब मे के बारे में जानकारी दूंगा। MAY, इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा बचपन से ही। जब भी आप क्लास में एंट्री करते हैं और टीचर आपसे पहले मौजूद है तो आपको कहना होता है मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम। तो यहाँ पर मे शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं परमिशन लेने के लिए, लेकिन मे इतना मामूली शब्द नहीं है, इसके और भी कई इस्तेमाल होते हैं जिनकी जानकारी आज आप इस क्लास में हासिल करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मे एक महीने का नाम भी है जो अप्रैल के बाद आता है। तो मे का इस्तेमाल हम तीन प्रमुख पर्पज से करते हैं। एक तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको परमिशन लेना है किसी से तो वहाँ मे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद देने से पहले भी मे शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। और तीसरा जो प्रमुख इस्तेमाल मे का है वो होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करना। जब भी हमें किसी चीज़ को लेकर श्योरिटी ना हो और हम अनुमान लगा रहे हों तो उस अनुमान लगाने के लिए, उस पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी मे का इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में मे से रिलेटेड हर जानकारी को हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मे के परमिशन लेने वाले यूज़ के बारे में। देखिए, जब भी हमें किसी से कुछ अनुमति लेना होता है और ये अनुमति फॉर्मल तरीके से लेना हो तो मे का इस्तेमाल किया जाएगा, और अनुमति देने वाला, परमिशन देने वाला व्यक्ति भी मे शब्द का इस्तेमाल करेगा, जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा। मे के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं सब में वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। ना तो मॉडल्स के साथ कभी सेकंड फॉर्म आता है, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी का यूज करते हैं, ना ही उनमें एससीएस लगाते हैं। तो मॉडल, अगर आपको पता है कि आप एक मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, जिसे हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने है, अगर आपको किसी से अनुमति लेना हो तो आप मे के बाद अपनी बात कहेंगे। जैसे मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। जवाब में जो पेन देना चाहता है वो आपसे कहेगा यस यू मे टेक दिस पेन, या मना करना चाहे तो वो कहेंगे यू मे नॉट टेक दिस पेन। आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं और आपने देखा कि एक सीट खाली है, उसके बाजू में कोई बैठा हुआ है, और आप वहाँ बैठने से पहले शिष्टाचार पूर्वक पूछेंगे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्वेश्चन होगा मे आई सेट हेयर, सामने वाला कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं है, यू मे सेट हेयर। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछना है कि क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, मुझे इस काम को करने की अनुमति है, तो उसके लिए मे का इस्तेमाल किया जाएगा। बाय द वे ये यूज़ आपको पहले से ही पता था, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए यानी कि ब्लेसिंग्स के लिए भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आशीर्वाद को सिर्फ देने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। आशीर्वाद लेने के लिए हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम किसी को भी अगर उसके पैर छूते हैं तो बदले में हमें आशीर्वाद मिल जाता है, या फिर वेस्टर्न कल्चर के अनुसार आप किसी को भी विश करेंगे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, तो बदले में आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले मे बोलिए, और उसके बाद जो भी आप आशीर्वाद देना चाहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमन फ्रेज आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब है ईश्वर आप पर कृपा बरसाए, भगवान आपका भला करे, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, जिसका मतलब है जुग जुग जियो, सतायु हो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, इन सब के लिए आप मे यू लिव लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। एक और आशीर्वाद आप दे सकते हैं और वो है मे गॉड ब्लेस यू विथ डस डस डस, यानी कि आप चाहते हैं कि भगवान आपको संपत्ति दे, धन दौलत दे, तो आपका आशीर्वाद होगा मे गॉड ब्लेस यू विथ वेल्थ, भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे, उसके लिए आप कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, या जो भी आप दिलवाना चाहते हैं भगवान से उस व्यक्ति को जिसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहाँ पर विद के बाद उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रमुख इस्तेमाल है मे का आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन मे को सबसे ज़्यादा जिस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है वो है पॉसिबिलिटी बताना, अनुमान लगाना। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है,
इसके लिए भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर उसकी होगी सब्जेक्ट मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बारिश आज हो सकती है, इसके लिए आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। आप कहेंगे मेहमानों के आने की संभावना है, उसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं गेस्ट्स मे कम या गेस्ट्स मे अराइव। ट्रेन के आने की संभावना है या ट्रेन आ सकती है, ट्रेन मे अराइव। तो इस तरह से किसी के कुछ करने की संभावना है, उसके लिए भी आप मे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ पर डेस्क पर, वेलकम डेस्क पर आप लिखा देखेंगे मे आई हेल्प यू। यहाँ पर मे का इस्तेमाल ऑफर देने के लिए, किसी को कुछ प्रपोजल देने के लिए हो रहा है। यहाँ पर ना तो परमिशन है, ना संभावना है, ना आशीर्वाद है, ना ही महीने का नाम है। तो मे आई हेल्प यू का मतलब है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सामने वाला आपको एक ऑफर दे रहा है, एक विकल्प दे रहा है कि आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से आपने देखा आज की क्लास में कि मे को अलग अलग परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करते हैं। Write a sentence using the word may in a comment below. See you in a next video. Till then, bye-bye.